आज हमारे साथ है रवि भैया और फैमिली। तो आज हम निकल चुके हैं बांदा के दुर्गा पंडाल देखने के लिए, जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए हुए हैं, क्योंकि बांदा में नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। ये दुर्गा पंडाल बाबूलाल चौराहे के काली मंदिर के जस्ट बगल में बनाया गया है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से पंडाल को सजाया गया और यहाँ पर दुर्गा माता की भव्य मूर्ति बैठाई गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ का पंडाल देखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो राहुल कह रहा बहुत ही सुंदर पंडाल आगे और भी सजाए गए हैं, और सुरेश भी है हमारे साथ। अब हम लोग पहुँच चुके हैं गोलरनाका, यहाँ पर भी दुर्गा माता का बहुत ही भव्य पंडाल सजाया गया है। और लाइटिंग देखिए कैसे चारों सुंदर तरीके से सजाई गई है, पूरे गेट को सजा दिया गया है रेड कलर की लाइटों से, और पंडाल बहुत ही सुंदर, यहाँ की मूर्तियाँ भी बहुत ही सुंदर हैं। अब भीड़ तो इतनी ज़्यादा है कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ का पंडाल देखने के बाद हम लोग बाज़ार में प्रवेश कर गए। बाज़ार में देखा कि बाज़ार की गलियों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा गया है लाइटों द्वारा, तरह तरह की लाइटों से सजा दी गई। अब पूरी बाज़ार में खचाखच भीड़ मची हुई है। यहाँ पर एक पंडाल ये देखने को मिला जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, आप भी देखिए। थोड़ी दूर और चले तो यहाँ पर एक दूसरा पंडाल मिला। यहाँ पर हर साल इस पंडाल पर काली माता की मूर्ति रखी जाती है, जो देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से इसको भी सजाया गया है। पंडाल देखते हुए हम कब महेश्वरी माता के मंदिर पहुँच गए ये हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि इतना ज़्यादा सजाया गया है पता ही नहीं चल रहा टाइम का। अभी हम महेश्वरी माता के मंदिर के अंदर नहीं जा रहे हैं, पहले हम जा रहे हैं रामलीला मैदान में रखे दुर्गा पंडाल को देखने के लिए, जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। यहाँ पर देखिए ये सांप भी बिछ रहे हैं, जो आप लोग ने छोटे में बहुत चलाए होंगे। यहाँ पर पूरी गली और रास्ते को ऐसा सजाया गया है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन, सुबह का समय ही लग रहा है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर रवि भैया भी चल रहा है, और ये देखिए दुर्गा पंडाल, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ मची हुई है, खचाखच भीड़ है, यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर तरीके से पंडाल को सजाया गया, कितना भव्य है, और मूर्तियाँ भी देखिए कितनी भव्य तरीके से बनाई गई हैं और बैठाई गई हैं। यहाँ से थोड़ा आगे ही चले तो एक और दुर्गा पंडाल मिला, जो बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लू कलर की लाइट द्वारा सजाया गया है। यहाँ पर भीड़ थोड़ा कम है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई, पहले रवि भैया ने यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई, और मूर्तियाँ देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर फ़ोटो, हमने राहुल और सुरेश ने सभी ने फ़ोटो खिंचवाई, फिर हम लोग अगली मूर्ति की ओर चल दिए। यहाँ पर जगह जगह पर पंडाल बनाए गए हैं, इस पंडाल को भी आप देखिए और आनंद लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें थोड़ा चैन की सांस मिली, क्योंकि यहाँ पर भीड़ थोड़ा कम थी। यहाँ पर सुरेश को बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि देखिए हाथ कैसे हिला रहा, कह रहा बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग जैसे आगे बढ़े तो फिर भीड़ का सामना करना पड़ा। यहाँ पे जगह जगह पे पंडाल सजाए गए हैं, यहाँ पे एक और पंडाल आया, आप भी देखिए। इस पंडाल को घास से सजाया गया है, यहाँ पे चारों तरफ घास लगी और किनारे किनारे फव्वारे चल रहे, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस पंडाल के जस्ट बगल में यह पंडाल भी सजाया गया है, जहाँ पे भीड़ कम होती थी वहाँ पर हमने फ़ोटो खिंचवा ली थी। फिर हम लोग आगे चल दिए, आगे अब हम लोग जा रहे हैं पद्माकर चौराहा की ओर। पद्माकर चौराहा में बहुत ही सुंदर सुंदर दुर्गा पंडाल सजाए हुए हैं, वहाँ पे आप देखिएगा तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। और देखिए लाइटिंग कैसे की गई है, यहाँ पर तिरंगा स्टाइल से ये रॉड लगाई गई है, यहाँ पर ये दुर्गा पंडाल सजाया गया है। यहाँ पर भी बहुत ही भीड़ मची हुई है, आप भी देखिए इस पंडाल को और आनंद लीजिए दुर्गा पंडालों का। यहाँ का पंडाल देखने के बाद जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, रवि भैया बता रहे कि यहाँ पर काली माता का हर बार पंडाल सजाया जाता है, और राहुल भी देख रहा है, तो राहुल गया जल्दी से यहाँ पे वीडियो शूट करके लाया, जो आप लोग देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से पंडाल को सजाया गया है। Oh, yeah.
यहाँ के पंडाल में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर ये जो द्वारपाल बनाए गए हैं ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं भैया, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और द्वारपाल बनाए गए हैं। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ गए कैलाशपुरी को, यहाँ पर हमारे मम्मी पापा सानू राहुल सुरेश सभी लोग चल दिए। अब रात में करीब 11 बज गए हैं। आगे बढ़ने पर हमें दुर्गा माता का एक और पंडाल दिखाई दिया। बांदा में एक से बढ़कर एक दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं, इनमें से कैलाशपुरी का दुर्गा पंडाल भी बहुत ही भव्य होता है। अभी आगे और भी पंडाल है जो कैलाशपुरी में बनाए जाते हैं। सुरेश बहुत शर्मा रहा है वीडियो में चेहरा दिखाने, इसलिए उसको हमें बार बार कहना पड़ रहा है। अब हम लोग जैसे ही आगे के पंडाल में बढ़े तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर तरीके से रोडों को सजाया गया और यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल बनाकर तैयार किया गया और यहाँ पर हमने फ़ोटो ली तो देखिए कितनी सुंदर मिसाइल लग रही है, ब्रह्मोस मिसाइल का फ़ोटो लेने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर दुर्गा पंडाल सजाया गया। तो यहाँ पर देखिए दुर्गा माता के पीछे नरसिंह भगवान भी लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रही है प्रतिमा देखने में। हम लोग रात में पूरा बांदा घूम रहे थे पर लग नहीं रहा था कि कब टाइम निकलता जा रहा, हमें टाइम का पता ही नहीं लग रहा था क्योंकि चारों तरफ इतनी ज़्यादा सजावट की गई थी कि समझ ही नहीं रहा था कि रात है। तो यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़े तो आगे एक और मंदिर बनी है जो रही भैया बता रहे कि उनका जो द्वार है शेर की मुख या आकृति का समान है, तो वहाँ पर एक मूर्ति बैठाई गई है, उस मूर्ति को देखने जा रहे हैं हम लोग। ये दुर्गा पंडाल है जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया, वो भी इस मंदिर के बगल में रखा है। इस मंदिर की द्वार देखिए शेर की आकृति के समान बना हुआ है। यहाँ पर ही भैया खड़े हुए हैं। यहाँ का पंडाल देखने के बाद हम लोग एक शॉर्टकट गली पकड़ कर, क्योंकि हमें जाना था महिषी माता का मंदिर, वहाँ जाने के लिए हमने एक शॉर्टकट गली पकड़ी। रास्ते में एक मंदिर मिला, अयोध्यावासी मंदिर। यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति है जो यहाँ का मंदिर बहुत ही अच्छा बन गया। जब हम अगली बार आए थे तो यहाँ पर ये मंदिर पर काम चल रहा था लेकिन अब ये मंदिर पूरा बनकर तैयार हो गया है। ये मंदिर वैसे काफ़ी पुराना है। अब हम लोग आगे के दुर्गा पंडाल में पहुँचे जो यहाँ पर भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। सुरेश को बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर उसने कुछ देख लिया तो वो हमें बताने आ रहा है। अब हम लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ पर एक छोटी सी मंदिर मिलती है जो शंकर भगवान की है। इस दुर्गा पंडाल को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे और बाकी सब लोग आगे बढ़ गए थे तो हमें रास्ते में एक गली मिलती है, हम उस गली के अंदर नहीं जाए थे लेकिन बाहर खड़े आदमी ने कहा उस गली के अंदर जाओ, बहुत ही सुंदर दुर्गा पंडाल सजाया गया है। जब हम लोग उस गली के अंदर गए तो यहाँ पर दुर्गा पंडाल सजाया गया था जो बहुत ही अच्छी मूर्ति बैठाई गई है। इस दुर्गा पंडाल में पानी के फव्वारे चलाए जा रहे हैं जो चारों तरफ धुआं का काम कर रहे हैं और ठंडक भी काफ़ी है। यहाँ पर सजावट देखिए कितनी अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ का पंडाल देखने के बाद अब हम लोग आगे महिषी माता मंदिर पहुँच गए। यहाँ पर महिषी माता मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया, यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा भरी हुई है। यहाँ पर मंदिर में जवारे वाले भी आए हुए हैं इसलिए भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई है। फिर हम लोग मंदिर के अंदर चल लिए। मंदिर के अंदर जाने के बाद हमने देखा मंदिर में बहुत ही शांति सा महसूस हो रहा था। यहाँ पर मंदिर में हमने पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर सभी भगवान के दर्शन किए और फिर थोड़ी देर बैठकर आराम किया, आराम कर रहे थे और आराम करने के बाद फिर हमारा थोड़ी देर में जाने का समय हुआ तो हम लोग यहाँ से चल दिए। अब हम लोग महिषी माता के बगल वाला पंडाल देखने के लिए चल दिए क्योंकि यहाँ की सजावट और पंडाल और मूर्ति बहुत ही भव्य होती है। यहाँ के पूरे रास्ते में देखिए कैसे ही जगमगाहट है। Thank you.
यहाँ का पंडाल देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ दिए। आगे और भी दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं। यहाँ पर साबूदाना की खीर कुल्हड़ में बट रही है, जो हमने ली और फिर पी। यह पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। कुल्हड़ में साबूदाना खीर बट रही थी, ये अलग ही मज़ा है और पीने में और ही मज़ा है। साबूदाना की खीर पीने के बाद हम लोग आगे चल दिए। आगे एक से बढ़कर एक दुर्गा पंडाल सजाए गए थे और भीड़ देखिए कितनी चकाचक भरी हुई है। रात के 12 बज चुके हैं लेकिन समय का पता नहीं चल रहा, और लाइटिंग देखिए कितनी अच्छी तरीके से की गई है, राउंड राउंड ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह लाइट। यहाँ पर दुर्गा पंडाल बहुत ही सुंदर सजाया गया है। अब हम लोग अवस्थिक पार्क के आगे रखी जाने वाली मूर्ति का पंडाल देखने के लिए पहुंच गए हैं। यहां पर भी बहुत अच्छा पंडाल सजाया गया, बहुत ही भव्य है। यहाँ का दुर्गा पंडाल देखने के बाद हम लोग काली माता के मंदिर बाबूलाल चौराहा पहुँच गए। यहाँ पहुँच कर हमने देखा कि काली माता मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। फिर हमने यहाँ पर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर सभी देवी देवताओं के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए दुर्गा पंडाल पर, जो बगल में सजाया गया है। शुरू में भी हमने आपको दिखाया था, ये लास्ट में जाते समय बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। यहाँ का दुर्गा पंडाल बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। हम लोगों को दुर्गा पंडाल घूमते घूमते कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला। अब हम लोग रात को करीब 12:30 बजे घर जा रहे हैं और राहुल और सभी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हम लोग अब अपने घर पहुंचने वाले हैं बस। और ये कुछ दुर्गा पंडाल है जो हमने सुबह के समय जाके बनाए गए थे। ये काले कुआं का दुर्गा पंडाल है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। आप देखिए दुर्गा पंडाल को, ये भी यहाँ का भी हर साल दुर्गा पंडाल बहुत ही भव्य बनाया जाता है और मूर्ति भी बहुत ही भव्य बैठाई जाती है। यहाँ पर गांधी जी की डांडी यात्रा भी दिखाई गई है इस दुर्गा पंडाल पर। ये पंडाल है चमरौली का। यहाँ पर दुर्गा माता के भी बहुत भव्य प्रतिमा बनी है। ये सब पंडाल जो हम दिखा रहे हैं ये सुबह के समय के हैं। ये दुर्गा पंडाल घोड़ा चौराहा का, जो बहुत ही बड़ा बनाया गया है। ये देखिए कितना बड़ा है ये दुर्गा पंडाल। और यहाँ पर दुर्गा माता की प्रतिमा भी बहुत सुंदर बैठाई गई है। ये दिन के समय इसलिए आपको लाइटिंग ज़्यादा नहीं दिख रही है, अगर रात को समय होता तो ये पंडाल बहुत ही जगमगाता। देखिए दूर से लेने पर भी मोबाइल में कवर नहीं हो रहा ये पूरा। और ये अगला दुर्गा पंडाल है, ये डिग्गी चौराहे पर बनाया गया है, जो पूरा व्हाइट थीम पर आधारित है। ये दुर्गा पंडाल स्टेशन का है, रेलवे स्टेशन में बनाया गया है।